समस्तीपुर जिले के SFB कॉलेज कहलगांव के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर रत्नेश प्रसाद सिंह के घर गुरुवार देर रात 5 हथियारबंद अपराधियों ने भीषण डकैती कांड को अंजाम दिया। इस घटना में डकैत लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया। प्राध्यापक दंपति का डकैतों ने हाथ पैर और मुंह बांध कर घटना को अंजाम दिया। पुलिस का खोजी कुत्ता पहुंचा लेकिन नतीजा सिफर रहा। शहर के कायस्थ टोला में रह रहे प्राध्यापक रत्नेश प्रसाद सिंह के घर रात करीब 1:30 बजे अपराधी खिड़की से घुसे और प्राध्यापक दंपति का हाथ पैर और मुंह बांध कर करीब 30 लाख के जेवर जेवरात 1,45,000 नगद और करीब 24,81,000 रुपए से अधिक के फिक्स डिपॉजिट के कागजात भी ले गए। कहलगांव शहर में 30 साल बाद हुए डाका से शहरवासी हतप्रभ हैं तथा पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े करने लगे है। ब्यूरो न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से अजंत की रिपोर्ट। सर आज घटना बोला जरा सा बताइए। प्रोफेसर रत्नेश्वर प्रसाद सिंह के घर में रात के 1:30 बजे के लगभग बड़ी डकैती हुई। इस डकैती में उनको और उनकी पत्नी जो दो ही लोग रहते थे उस घर में उनको घायल भी किया छुरे से, रॉड से भी पीटा और उनको मुंह में कपड़ा टूट दिया, चारों तरफ से उनको बांध दिया और इत्मीनान से सारी जिंदगी की कमाई को उठा के उन डकैत या चोरों ने ले भागा। दुखद स्थिति यह है कि 200 मीटर की दूरी पर थाना कहलगांव और लगभग 200 मीटर की दूरी पर DSP का भी कार्यालय आवास है। दोनों जगह टेलीफोन वो 3 बजे भोर से लगाते रहे जब डकैत सब चोरी करके चला गया, किसी तरह मोबाइल से कहीं से किसी को बुला के टेलीफोन से और मुंह वगैरह खुलवाया, आखिर बात क्या। थाना में घंटी बजती रही, रात को रात की ड्यूटी पर आने वाला भी कोई नहीं था कहलगांव थाना। और फिर DSP से भी बात करना चाहे, DSP से उनकी बात नहीं है। अंततः उन्होंने SDO से बात किया और SDO सदर कहलगांव वो करीब 3:30 बजे के लगभग उनसे टेलीफोन पर बात किया, वही शायद संसूचित किए होंगे DSP और थाना। इतनी बड़ी घटना हुई, प्रोफेसर रत्नेश्वर की गाड़ी कमाई पूरी जिंदगी का, एक कंसर्ट कॉलेज का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का और फिर पुत्र वगैरह भी है, जमीन जायदाद भी है, सारी संपत्ति को लूट लिया। अब पुलिस वाले देखते रह गए, संज्ञान तक सुबह 9 बजे तक नहीं गया। एक जमादार गया था 9:30 बजे, पता चला कि थाना प्रभारी गई, तो DSP तो शाम को पहुंची है। यह कहलगांव के लिए करीब 30-40 वर्षों के बाद इस तरह की यह पहली घटना है। 30 वर्ष पहले इसी तरह की घटना घटी थी जिसमें अपराधी को हमारे सिक्योरिटी ने स्वयं पकड़ा था और वह मर्डर करके भाग रहा था। तो वैसी स्थिति के बाद आज की कहलगांव में आपराधिक घटनाएं बहुत बढ़ गई है। पदाधिकारीगण हमको लगता है कि ये ओवर लोडेड ट्रकों के पीछे और ओवर लोडेड एस जो ट्रकों पर रहती है उसी के पीछे लगे रहते हैं। कानून व्यवस्था से इन लोगों का तक कोई वास्ता नहीं। लुच्ची लफंगे शराबी थाना के से लेकर अगल बगल घूमते रहते हैं, किसी पर कोई कार्रवाई। बहुत दुखद स्थिति है। हम जिला के आरक्षी अधीक्षक महिला को यह आग्रह करेंगे कि वो कृपया इसको देखें, त्वरित ढंग से देखें और कठोरतम कार्रवाई करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचे जहां से अपराधी छूट नहीं पाए। 100
सामान रिकवर हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये मेरा आग्रह होगा कहलगांव के लिए, शहरवासियों के लिए। यह इससे बड़ा कानून व्यवस्था के मामले में इससे बड़ी कोई घटना घटनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर रत्नेश्वर प्रसाद। क्या हुआ था घटना आपके घर में? रात में वही डकैती हुआ, 4-5 आया। कब बजे रात में? 1:25। वो पहले से आकर के वो छिप गया था घर में। हाँ।